दुरुस्त किया। तो नूर ज़हीर को सुनना आपके लिए निश्चित रूप में, जब आप याद करेंगे कि नूर ज़हीर आपा ने कहानी पढ़ी है और आपने सुना है, तो निश्चित रूप में आपको अपने ऊपर ही फ़ख्र होगा कि हमने नूर आपा को कहानी पढ़ते हुए सुना है। उनकी कहानियाँ पढ़ी तो बहुत होंगी, लेकिन सुनना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव रहा होगा। इसलिए हमारे साथ ही संजीव जी लगातार हमारे साथ रहे हैं, जो हमें लगातार हौसला देते रहे हैं। शंकर जी हमारे साथ रक्षक के रूप में मौजूद रहे हैं और बड़े नए कथाकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेकानंद यार पहली बार हमारे साथ आए हैं, उनका हमें स्वागत करते हैं। मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए अपने मित्र राकेश जी को नमस्कार मित्रों।